जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का टॉपिक हम लोग का है एमसीक्यू। तो हम लोग एमसीक्यू आज देखेंगे जो कि वेद और वैदिक सभ्यता से हमारे एमसीक्यू इस रिलेट किया हुआ है। तो आइए आज का वीडियो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के आया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन भारत में निशा का शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? तो प्राचीन भारत में निशा का शब्द किस के लिए प्रयोग होता था? तो ये जो है ना, स्वर्ण आभूषण के लिए। तो सोने का जो आभूषण, जो जवाहरात होते थे, सोने के बने जेवर के लिए हम लोग निशाका शब्द का प्रयोग करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा निशाका शब्द के लिए कौन सा प्रयोग होगा? तो स्वर्ण से बने आभूषण के लिए निशाका शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे बताया गया है? तो युद्ध का जो देवता है ना, ये आपको इंद्र था। युद्धों का देवता किसे कहा गया है? इंद्र को। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है ऋग्वेद में। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो मैं बताया था जब वैदिक काल पढ़ रहा था तो सबसे महंगी जो वस्तु हुआ करती थी वो गाय हुआ करती थी। तो गोधन, संपत्ति का जो मुख्य रूप था वो क्या था? गोधन, जिसे गाय कह सकते हैं, जिसको अधन्या कहा गया। क्या कहा गया है? आधन्य, जिसका वध ना हो, जो कि बहुत कीमती होता था। और गायों पे को ही लेकर लोग अमीरी और गरीबी को ही दर्शाते थे। तो ये हो जाएगा अधन्य आपका। संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन, अधन्य। वैदिक युगीन सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये मंत्री परिषद सभ्यता थी। कैसे थे? इसमें मंत्री परिषद हुआ करता था। नेक्स्ट है, सुलभ सूत्र एक पुस्तक है। सुलभ सूत्र एक पुस्तक है किस विषय से संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। किस विषय से? एक गणित आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अथर्वेद जब हम लोग पढ़े थे तो इसका नाम आया था। तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से हो जाएगा आपका? अथर्वेद। अथर्वेद जो कि सबसे बड़ा वेद और अंतिम वेद है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रिय पशु, प्रिय देवता, सॉरी, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रिय देवता क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रिय देवता क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्य का सबसे प्रिय देवता इंद्र था। क्या था? इंद्र। मैंने बताया कि इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो वर्ण पुरुष सूक्त जो है ना, ये ऋग्वेद में बताया गया। पुरुष सूक्त कितने रूप में बांटे जाते हैं? चार में। कितने? चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है, ऋग्वेद किसका संकलन है? तो ऋग्वेद में जो संकलन है, श्रोता का संकलन है। किसका संकलन है? श्रोता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में बहने वाली नदी कुंभा नदी कहाँ बहती है? तो ये जो है ना, अफगानिस्तान में वर्तमान था, ये कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में। ये उस टाइम की एक अच्छी खासी नदी थी और इसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि लोग करते थे, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की एक कुंभा नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सी ब्रह्मावादी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? तो लोपामुद्रा, मतलब एक ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों का संग्रह किया है, तो उसका नाम क्या था? तो लोपा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द प्रयोग होता था, बुधा था निशाका। निशाका जो होता था स्वर्ण से बने आभूषण, और निष्क शब्द का प्रयोग होता था, कहीं ना कहीं इसका भी संबंध जेवर से ही था। तो गले में पहनने वाले आभूषण, गले में पहनने वाले आभूषण के लिए प्रयोग होता था, ठीक है ना। गले में पहनने वाले आभूषण के लिए निष्क शब्द प्रयोग होता था, लेकिन किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। गले में पहनने वाला आभूषण, ये आप जब आप लोग देखे होंगे कि महाभारत और रामायण जैसे जो घटना हुआ था, तो उसमें जो आपका काल्पनिक जो दृश्य दिखाया गया है सीरियल के माध्यम से, तो उसमें लोग गले में बहुत बड़े बड़े जेवरात पहने रहते, तो उसी को निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निष्क शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ? तो यही जो निष्क शब्द था, जो कि गले का आभूषण कहा जा रहा था, यही आगे चल के उत्तर वैदिक काल में से सिक्का की भांति समझा गया, ठीक है ना। इसे सिक्का बने, सिक्का में तब ट्रांसफर कर दिया। तो निष्क शब्द कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ उत्तर वैदिक काल में? सिक्का के लिए निष्क शब्द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है, वैदिक युग की शासन प्रणाली कैसी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है ना। तो वंश परंपरागत और राजतंत्र था। यहाँ पे क्या था? राजतंत्र शासन प्रणाली थी और वंशानुगत था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो बहुत देववादी। कैसा धर्म था? बहुत देववादी। यहाँ पे जो लोग होते थे ना ऋग्वैदिक काल में, वो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। उनके एक देवी देवता नहीं थे, बहुत सारे देवी देवता थे। वो बताया गया कि ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, तो उसी प्रकार से ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते, जैसे कि सोम,
इंद्र, वरुण, चंद्रमा ये सब की पूजा करते थे, तो बहुत देव बाधित है इनका धर्म। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस नदी को सतनीरा कहा गया, तो गंडक नदी को। किस नदी को? गंडक नदी को। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गंडक को सतनीरा कहा जाता था। सतनीरा का अर्थ होता है इसमें सबदित पानी होता था, नीर का अर्थ होता है जल, ठीक है ना, सद का मतलब सदा, तो सदा दिन इसमें पानी रहता था इसलिए इसको सतनीरा कहा गया है। किस काल में? तो वैदिक काल में, गंडक नदी को। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित शब्द है, तो ये पिता। ऋग्वेद में अगर किसी शब्द का उल्लेख किया गया सर्वाधिक बार, तो वो है पिता, जिसका उल्लेख 335 बार किया गया। कितना बार? 335, 335, 335 बार। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर समाज की धुरी समझी जाती थी, तो वह आपका अंग और मगध, जो कि आपका बिहार में है। जैसे कि मगध में आपका राजगीर वाला क्षेत्र हो गया, मगध में मगध राजगीर गया ये सब क्षेत्र, फिर अंग हो गया भागलपुर वाला क्षेत्र, तो ये जो हो गया अंग और मगध, जो कि हमारा दोनों क्षेत्र बिहार में ही था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में कर संग्रह को क्या कहा जाता था, जो वैदिक काल में कर वसूलने वाले जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था, तो उसे भागदूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भागदूत। क्या कहा जाता था? भागदूत कहा जाता था। किस वेद की रचना गद और पद दोनों रूप में हुई है, मतलब कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना कविता के रूप में भी हुई है और कहानी के रूप में भी हुई है, तो गद और पद के रूप में होने वाला एक ही वेद है, वो आपका यजुर्वेद है, ठीक है ना। तो MCQ हम लोगों ने, ये टॉप 20 MCQ है जो कि एग्जाम को लेकर भी बहुत भी आई है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे बने रहें। अगला टॉपिक हमारा आएगा पुराण, उपनिषद, अरण्यक, यही सब संस्कार वगैरह अगला टॉपिक में मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहें। बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।